ये कट पाएंगे। ठीक है ओके थैंक यू। तो हम लोगों ने पिछले टाइम पे जो डिस्कशन किया एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या बातें हम लोग देख चुके थे। कार्टेशियन प्रोडक्ट पे ज्यादा ध्यान था हम लोगों का और आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ सेट्स क्या होते हैं, इंडेक्सिंग सेट्स में क्या होता है, उसके बाद में यूनियन इंटरसेक्शन कैसे करेंगे, क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब जैसे ए क्रॉस बी कर लेते हैं हम लोग, तो अगर आर्बिट्रेरी कलेक्शन तो क्या इतना इजीली हम लोग कर सकते, उसको कुछ और हमें किसी और तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा, ये हम लोग की बात चल रही थी। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग किसी और तरीके से डिफाइन करने की बात कर रहे थे। फिर उसके बाद में ये क्लासिफिकेशन भी जानते हैं इसको, हाँ रिलेशन और उनके टाइप्स क्या हैं ये हम लोग देख चुके थे। इसमें हम लोगों को पार्शियल ऑर्डर रिलेशन पे ज्यादा फोकस करना था। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हमने क्या देखा था, रिफ्लेक्सिव होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा। इक्विवेलेंस क्लासेस के लिए आप लोगों ने देखा होगा जरूर, मैंने बोला था एक बार देखिएगा इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती है। फिर उसके बाद में फंक्शंस, ठीक है फंक्शंस में सब्जेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, ठीक है क्या एफिनवर्स भी डिफाइन होगा, अगर वंदन आप लगाओ यस तब भी डिफाइन होगा। हम लोग एफिनवर्स भी कैसे डिफाइन करेंगे, जो कोडोमेन का सबसेट भी होगा उसकी जो इनवर्स इमेजेस होंगी उन इनवर्स इमेजेस के साथ में जो जो सेट तैयार होगा दैट विल बी एफिनवर्स, इनवर्स इमेजेस का करेक्शन बेसिकली। उसके बाद में ये कुछ थे, इसमें कौन कौन से करेक्ट हैं कौन कौन से इनकरेक्ट हैं, अभी आप लोगों को मैं इसको देखूंगा कि आप लोगों ने क्या क्या सोचा है, ठीक है इस लेक्चर के तुरंत बाद में इसको देखते हैं। फिर ये नीचे वाला मैं बता ही चुका था कि ये करेक्ट कोई भी नहीं है, अगर वन वन हो तो इनमें से एक करेक्ट होता है और अगर नॉट टू हो तो दूसरा करेक्ट होता है, और अगर वन वन और टू दोनों फंक्शन होगा तो ये दोनों ही करेक्ट होता है, ठीक है। इसके बाद में पोसेट्स की बात ऑलरेडी हम लोग कर ही चुके थे पिछले टर्म पे, टोटली ऑर्डर्ड सेट, टोटली ऑर्डर्ड सेट जैसे आपने कहा कि पोसेट्स ही है लेकिन पोसेट्स ऐसे होने चाहिए जिसमें कोई भी दो एलिमेंट्स कंपेरेबल हो। कंपेरेबल का मतलब ये होता है कि आइदर ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू ए, ठीक है अच्छा, और दोनों क्या एक साथ रिलेटेड हो सकते हैं दूसरे से, इक्वल जब वो इक्वल होंगे तभी हो सकते हैं, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक पोसेट्स का मतलब एंटी सिमेट्रिक रिलेशन और एंटी सिमेट्रिक का मतलब ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए, ये तभी होता है जब ए और बी दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। चेन, चेन क्या थी, चेन एक टोटली ऑर्डर्ड सबसेट एक पोसेट का होता है, जैसे कि हम लोग चेन कहते हैं। टोटली ऑर्डर्ड होने का मतलब कोई भी दो एलिमेंट्स एक दूसरे से कंपेरेबल होने चाहिए। अगर यहां पर मैंने बोला था कि अगर 1 2 4 6 8 कर दें तो वो आप वो चेन नहीं है, क्योंकि उसमें 4 और 6 ऐसे एलिमेंट्स आ जाएंगे या 6 और 8 ऐसे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो एक दूसरे से कंपेरेबल नहीं हो सकते विद रिस्पेक्ट टू दिस रिलेशन, डिवाइड करने का रिलेशन। अगर यहीं पर लोग लेस देन इक्वल टू ले लें यूजुअल ऑर्डर, इसको लेस देन इक्वल टू बोलते हैं यूजुअल ऑर्डर, तो अगर हम लोग यूजुअल ऑर्डर ले लें तो उस यूजुअल ऑर्डर के साथ में हो जाएगा, वहां कोई दिक्कत नहीं है। 4 6 8 वो तो ऑलरेडी ऑर्डर्ड है, 4 6 से लेस है, लेस और इक्वल है, और 6 जो है वो 8 से लेस और इक्वल है, वहां पर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। फिर बाउंडेड अबव सेट्स एंड अपर बाउंड्स, इसकी बात शायद उस दिन चल रही थी, यही अंतिम बात हम लोगों ने की थी कि बाउंडेड अबव सेट्स क्या होते हैं पोसेट्स के केस में, है ना। और इसका हम लोगों ने एग्जांपल देखा था, यही 1 2 3 4 जो सेट है, इस 1 2 3 4 सेट का सुप्रीमम 4 नहीं होगा। अगर हम लोग रिलेशन कौन सा ले रहे हैं, रिलेशन अगर हम लोग ये डिवाइड करने का ले रहे हैं तो इसका सुप्रीमम जो है दैट विल नॉट बी 4, तो क्या होगा इसका सुप्रीमम डिवाइड करने के रिलेशन के साथ में 12, इनका जो LCM होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल वही उनका सुप्रीमम हो जाएगा। लेकिन अगर यही रिलेशन हम लोग कर देते यूजुअल ऑर्डर तो इसका जो सुप्रीमम है वो क्या हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी हो इतना ध्यान रखना हम लोगों को कि whenever the supremum will exist, it will be unique. वो यूनिक होता है, ये प्रूव कर सकते हैं हम लोग, प्रूव करना भी बहुत आसान है। अगर सपोज कीजिए कि ये मतलब फोर सेट्स के केस में सपोज कीजिए कि हमने एक सेट लिया x जो कि हमारा सिस्टम हो गया, ठीक मतलब हमारा यूनिवर्सल सेट सपोज x हो गया, फिर हमने उस x के अंदर एक सबसेट लिया a, फिर मैंने ये सपोज किया कि इस सेट कैपिटल a के दो-दो सुप्रीमम हैं, सपोज कीजिए इसके दो सुप्रीमम्स हैं, तो अगर इसके दो सुप्रीमम्स हैं सपोज एक u1 है और एक u2 है, ये दोनों इस सेट कैपिटल A के सुप्रीमम हैं,
ठीक है, सुप्रीमम का मतलब लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड होगा तो यानी कि आप जैसे कहें u1 इज लीस्ट अपर बाउंड, u2 इज आल्सो लीस्ट अपर बाउंड, लेकिन जो लीस्ट अपर बाउंड है वो अपर बाउंड भी तो है, जो लीस्ट अपर बाउंड है वो अपर बाउंड भी तो है, तो क्या हो गया u1 इज लीस्ट अपर बाउंड, इट इज अपर बाउंड, ऑब्वियसली बात है अपर बाउंड तो वही हुआ, और ये क्या है लीस्ट अपर बाउंड, तो इसके लीस्ट अपर बाउंड होने को इसके अपर बाउंड होने के साथ यूज करें तो क्या हो जाएगा, जो सुप्रीमम होता है या लीस्ट अपर बाउंड होता है वो क्या होता है, वो लेस देन इक्वल टू ऑल अदर अपर बाउंड्स, है ना, तो क्या हो जाएगा u1 विल बी रिलेटेड u1, ये मैं लेस देन इक्वल टू नहीं मान के चल रहा हूं, मैं यूजर ऑर्डर की बात नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूं, ठीक है, सो u2 विल बी रिलेटेड टू u1 एंड यस अगेन u1 विल आल्सो बी रिलेटेड टू u2, क्योंकि देखिए जैसे u जैसे जैसे कि u2 लीस्ट अपर बाउंड है u1 भी लीस्ट अपर बाउंड है, और ये रिलेशन कैसा है एंटीसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक होने का क्या मतलब है कि अगर a रिलेटेड b और b रिलेटेड a दोनों हो जाएंगे तो ऐसा कब होता है, जब वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो इससे ये बात क्लियर होती है कि सुप्रीमम यूनिक होगा। दूसरी एक और बात क्लियर हो रही है कि सुप्रीमम होंगे, सुप्रीमम होगा ये जो अपर बाउंड्स होंगे वो उस सेट में होना जरूरी नहीं है, जैसे आप यहां पर क्या देख रहे हैं 24 इज अपर बाउंड ऑफ दिस सेट, ठीक है ना, इवन 36 विल आल्सो बी, 36 को भी सभी डिवाइड कर रहे हैं, ये सारे अपर बाउंड्स हैं, नॉट ओनली दिस, इसका जो लीस्ट अपर बाउंड है वो 12 आ रहा है, क्या 12 इस सेट में है, नहीं है, 12 इस सेट में नहीं है, ठीक है, तो अब ये बात क्लियर रखनी हम लोगों को कि जो लीस्ट अपर बाउंड होगा वो चाहे हम लोग मतलब जो बात हम लोग पहले से करते आए हैं रियल एनालिसिस में वो उसके लिए सुप्रीमम की बात करते थे, वहां भी यही होता था कि सेट में होना जरूरी नहीं होता था, वही बात यहां पर भी है पोस्टर्स के केस में भी कि सुप्रीमम को सेट में होना जरूरी नहीं होगा, ठीक। अब इसके आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग कुछ और डेफिनेशन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होंगी हमारे डिस्कशन के लिए, मैक्सिमल एलिमेंट, ठीक है, हम लोग देखते हैं मैक्सिमल एलिमेंट क्या होता है, तो हाँ मैक्सिमल एलिमेंट, अब यहां पर इतना और देखिए कि मैक्सिमल एलिमेंट की जब आप बात करोगे तो वो उसी सेट का एलिमेंट है, मैं आई एम अगेन रिपीटिंग, दोनों में अंतर समझिएगा, सुप्रीमम, सुप्रीमम में हमने यह क्या देखा कि मान लीजिए कि कैपिटल ए का सुप्रीमम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कैपिटल ए में होना जरूरी था क्या, नहीं कोई जरूरी नहीं था, बाहर जैसे 12 था वो बाहर था, 1 to 3 को मैक्सिमल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, हम उसी सेट के ही किसी एलिमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक, और हम लोग ये जितने भी डेफिनेशंस देखेंगे मैक्सिमल की, लीस्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, जितने भी डेफिनेशंस देखेंगे वो सब हम लोग कोसेट्स के लिए देख रहे हैं, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक, तो सपोज करते हैं कि हमारे पास एक कोसेट है, हमने एक कोसेट ले लिया, ठीक, फिर जो सेट हमारा कैपिटल एक्स है उस सेट का ही एक एलिमेंट होगा एन, एन बिलोंगिंग टू एक्स, मतलब एन एक एलिमेंट है उसी सेट का ही एलिमेंट, तो हम ये कहेंगे कि ये जो एलिमेंट m है ये मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ द सेट है इफ देयर इज नथिंग बिगर देन m इन x, अगर x में m से बिगर कुछ नहीं है, अगर हम लोग इसको मैथमेटिकली या दूसरे ये तो हो गया कि हाँ हमने पूरा लैंग्वेज दी इसको मैं डेफिनेशन दी वर्ड्स में कहा, लेकिन मैथमेटिकल सिंबल्स में अगर हम बात करें मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात करें तो उसका मतलब ये है कि अगर हम सपोज करें कि m से बिगर, m से बड़ा, अच्छा यहां मैं बोलता तो हूं बिगर, लेकिन बिगर का मतलब मेरा यहां पर पार्शियल ऑर्डर से होता है, हाँ? कि अगर इफ m इज रिलेटेड टू सम अदर एलिमेंट, m या m लेस देन इक्वल टू a, जिसको थोड़ी देर के लिए बोल देते हैं कि इफ m इज लेस देन इक्वल टू a तो क्या है, और वो एलिमेंट a भी x का हो, तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब m और a आपस में इक्वल हो जाए, बात वही है, देखिए देयर इज नथिंग बिगर देन m इन x, तो आपने सपोज किया कि चलिए m से बिगर है और वो भी कहां x में, तो आप तो कह रहे हो ना देयर इज नथिंग बिगर देन x, तो अगर आप सपोज करोगे कि x का एलिमेंट है जो m से बिगर है तो वो कोई और नहीं बल्कि m खुद ही होगा, मतलब देन दैट एलिमेंट जो आपने a आप लेके आए हैं वो कुछ और नहीं, वो m के इक्वल हो जाए, बात क्लियर हो गई, चलिए कुछ एग्जांपल यहां पर समझ लेते हैं, इस एग्जांपल से ही ज्यादा आप लोग जल्दी कैच कर पाएंगे, जैसे मैंने एक सेट लिया x, मैंने लिया 1 से लेकर के 12 तक के सारे नेचुरल नंबर्स ले लिए और कोसेट मैंने कंसीडर किया है डिवीजन के रिलेशन, जानते हैं ये कोसेट होगा ही होगा, ये एक पार्शियल ऑर्डर सेट,
ठीक है, क्या ये टोटली ऑर्डर्ड है? पहला ही क्वेश्चन है, क्या ये टोटली ऑर्डर्ड है? जल्दी से बताइए, क्या ये टोटली ऑर्डर्ड है? नहीं है। वही वही 4 6 5 6 neither 5 is related to 6 nor 6 is related to 5, this is not totally ordered, right? ठीक है, अब बात करते हैं क्या 12 इसका मैक्सिमल एलिमेंट है, है ना? क्या ये, अब ये बात करते हैं क्या 12 इसका मैक्सिमल एलिमेंट है? तो देखिए 12 इसका मैक्सिमल एलिमेंट है, क्यों है? क्योंकि 12 से बिगर कोई एलिमेंट इसमें नहीं है। अभी यहां मैंने बिगर बोला, अभी मैं एक और छोटा सा क्वेश्चन रेज करूंगा तो आप लोग, मैं देखता हूं क्या बोल रहे हो, क्या 11 इसका मैक्सिमल एलिमेंट है? नहीं। क्यों 11 से बिगर इसमें कुछ नहीं है? यस 12 बिगर है, लेकिन यहां बिगर का मतलब वो बिगर नहीं है कि लेस देन इक्वल टू, यहां बिगर का मतलब रिलेशन होना। तो यहां पर रिलेशन कौन सा हम ले रहे हैं? डिवाइस, ठीक है ना? मतलब क्या बोलेंगे, अगर आप सपोज करें, मैं बहुत इजी वे में बता रहा हूं, अगर आप सपोज करें कि जैसे आपने m की बात की, सपोज m को 11 ले लिया, m को ले लिया 11, फिर मैंने कहा कि a belongs to x, a belongs to x, x का 1 से लेकर 12 तक के नेचुरल नंबर्स का सेट, और फिर मैंने कहा if a belongs to x and m यानी 11, 11 divides a, यानी m divides को, क्योंकि ये divide का रिलेशन है, ये रिलेशन m divides a, यानी 11 divides a। अब आप सोचो कि इस सेट x में वो कौन सा एलिमेंट है जिसको 11 डिवाइड कर रहा है? सिर्फ 11 और 11 और 11 केवल एक ही एलिमेंट है जिसको कि 11 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो यहां पर इसका मतलब क्या सामने आई बात कि देन a विल बी इक्वल टू 11, ये m है आपका m, तो क्या आया a इज इक्वल टू m आया कि नहीं आया? आया, क्लियर हो गया? यानी 11 इज अ मैक्सिमल एलिमेंट। सिमिलरली Will 10 be a maximal element? 10. 10. 10. 10 maximal element है? बिल्कुल। भाई 10 किसको divide करेगा इनमें से? सिर्फ 10 और किसी और को नहीं। 9? 9 भी है। भाई 9 किसको divide करेगा? सोचिए। 9 9 के अलावा इसमें से किसको divide करेगा? सर 8 for any a है। For all a नहीं है, for any a है। अगर आप कोई भी एलिमेंट लें जिसको m डिवाइड करता हो, मतलब m डिवाइड्स a, मतलब रिलेशन, रिलेशन मतलब कोई भी ले, कोई सबको ट्राई करो, तो आप जैसे आपने 9 का 9 m m हो गया 9, अब आप 1 से शुरू करो, क्या 9, क्या 9 1 से रिलेटेड है? नहीं है। 9 2 से रिलेटेड है? नहीं। 9 3 से रिलेटेड होगा? 4 5 6 7 8 किसी से नहीं, ना ही 9 10 से भी नहीं रिलेटेड होगा, 11 से भी नहीं होगा। 9 डिवाइड्स 11 रॉन्ग, 9 डिवाइड्स 12 रॉन्ग, किससे रिलेटेड है? खुद 9 से, वो मैक्सिमम ले लो क्या? तो इसके कितने मैक्सिमल एलिमेंट होंगे ये बताइए, एक यूनिक होगा कि बहुत सारे हैं? बहुत सारे। तो जैसे हम लोग सुप्रीमम में क्या देख रहे थे, सुप्रीमम में हम देख रहे थे कि सुप्रीमम यूनिक होगा, लेकिन मैक्सिमल एलिमेंट में क्या देख रहे हैं? यूनिक नहीं होता है, मैक्सिमल एलिमेंट इज नॉट यूनिक। क्वेश्चन है इज मैक्सिमल एलिमेंट यूनिक? नो। दूसरा क्वेश्चन है इज सुप्रीमम यूनिक और नॉट? सुप्रीमम यूनिक होता है, अभी हमने प्रूफ किया ना कि सुप्रीमम यूनिक होता है, ठीक है ना? लेकिन मैक्सिमल एलिमेंट जिसकी हमने भी बात की, समझाया, मैक्सिमल एलिमेंट यूनिक होना जरूरी नहीं, ठीक। अच्छा यहां एग्जांपल अगर चेंज कर दें, ठीक है, एग्जांपल चेंज कर देते हैं, एग्जांपल मैंने ले लिया वो वाला usual order मतलब less than equal to। तो अगर हम लोग example change कर देंगे, तो तब आप बता पाएंगे यहाँ पर इसका maximal element क्या क्या तब unique हो जाएगा? मतलब मैंने यहाँ पर set x वही रखा है, लेकिन ये relation change करके less than equal to कर दिया है। ये total order भी हो जाएगा और unique maximal होगा, तो yes। 12 जो है, 12 जो 12 इसका सुप्रीमम है, वही इसका मैक्सिमल एलिमेंट भी तब हो जाएगा। तब 11 क्यों नहीं हो पाएगा? 11 इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि 11 लेस देन इक्वल टू 11 भी सही है, लेकिन 11 लेस देन इक्वल टू 12 भी सही है। अगर ऐसा हो रहा होता कि 11 केवल 11 से ही रिलेट हो सकता है, तो हम कहते हैं वो मैक्सिमल एलिमेंट है। समझ में आ गया? यस।
फिलहाल मतलब वो किस पे डिपेंड करता है, वो आप जो ऑर्डर दे रहे हैं, जो रिलेशन दे रहे हैं उस पे डिपेंड करेगा। तो बहुत जाने की बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि ये जितनी भी कंडीशंस हैं वो हमारे हमारे पार्शियल ऑर्डर जो ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करती हैं, और जो हम सेट ले रहे होते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और ये एग्जाम्पल है, अगर एस अगर ए बी सी देन वॉट विल बी मैक्सिमम एलिमेंट एंड लीस्ट अमाउंट ऑफ दिस। ये जो सिंपल है कि आपको मैंने बताया पावर सेट, यस दिस इज पावर सेट ऑफ एक्स, इसको हम टू पावर एक्स करके लिखते हैं, दिस इज पावर सेट ऑफ एक्स। मैंने एक क्वेश्चन लास्ट में रखा था कि पी एक्स इंटरसेक्शन एक्स क्या होगा, क्या होगा सोचा था, व्हाट विल बी पी एक्स इंटरसेक्शन एक्स। हम लोग को ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट का क्या मतलब होता है, फाइव होगा, पी एक्स इंटरसेक्शन एक्स विल बी फाइव। बहुत आसान चीज थी, अरे देखिए x आप सपोज कीजिए ए बी, बहुत आसान था, px में चार एलिमेंट्स आएंगे, आई एम टॉकिंग एलिमेंट्स, चार एलिमेंट्स आएंगे, दिस इज एन एलिमेंट, अगेन दिस इज एलिमेंट, दिस इज एलिमेंट एंड दिस इज आल्सो एन एलिमेंट, राइट। अब अगर आप px और x में कॉमन मतलब इंटरसेक्शन कराओगे तो इंटरसेक्शन कराने पे हम उन्हें लेते हैं जो कॉमन एलिमेंट होते हैं, तो एलिमेंट कॉमन क्या है देखिए, एलिमेंट एक भी कॉमन नहीं है क्योंकि इसके एलिमेंट ए और बी हैं, लेकिन इसके एलिमेंट ए और बी नहीं है, नहीं इसके एलिमेंट ए और बी नहीं है, सही कह रहा हूं मैं, इसके एलिमेंट सेट है, सिंगलटन सेट ए और सिंगलटन सेट बी है, इसके एलिमेंट ए और बी, अगर ऐसे लिखा होता ए कॉमन बी तो तब अगर मैं इंटरसेक्शन कर रहा तो इंटरसेक्शन में ए और बी दो आ जाते, लेकिन ये इस तरह से नहीं है, ये सेट्स बने हुए तो इसलिए इनका इंटरसेक्शन जो है वो फाइव। ठीक है, अगर यहां पर मैं px, अगर यहां पर मैं px माइनस x कर दूं तो क्या होगा, px माइनस x, फाइव होगा, बस और px होगा, पूरा px आ जाएगा, क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स हटाने होते हैं तो कुछ कॉमन है ही नहीं, लेकिन अगर मैं px माइनस सिंगलटन सेट x कर दूं तो आपका ये हट जाएगा, क्योंकि अब इस सेट बना के ना सेट है, ये सिंगलटन सेट एक्स का मतलब यही हो गया, तो अगर px में से सिंगलटन सेट x माइनस कर देंगे तो ये आपका ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, सिंगलटन सेट a बचेगा और सिंगलटन सेट b बचेगा। अब यहां पर मैंने लिया a b c, तो अगर x में a b c तीन एलिमेंट्स होंगे तो अगर तब आप px में से पावर सेट ऑफ x में से x माइनस करोगे तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, फाइव आ जाएगा, ए सिंगलटन्स आ जाएंगे, फिर ए बी आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, ए सी आ जाएगा, आएगा ना, बस ए बी सी नहीं आएगा, ए बी सी छोड़ के बाकी सब आ जाएंगे, पूरा x आपका गायब हो गया। ठीक, मुझे जल्दी से सोच के बताइए कि अगर हम लोग यहाँ ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था कि जो सबसेट होने का रिलेशन होता है ना पावर सेट में या कलेक्शन ऑफ सेट्स में, जो सबसेट होने का यानी इंक्लूजन भी ये रिलेशन होता है, ये भी पार्शियल ऑर्डर होता है, तो ये भी आपका एक कोसेट है, इस कोसेट के मैक्सिमल एलिमेंट बता सकते हैं क्या, इसके मैक्सिमल एलिमेंट, इसके मैक्सिमल एलिमेंट्स ए बी बी सी और ए सी, ये सब मैक्सिमल एलिमेंट्स हैं, वेरी गुड आंसर, तीन मैक्सिमल एलिमेंट्स होंगे, क्यों बहुत आसान है, इसलिए आसान है क्योंकि देखिए, अच्छा बताओ ए बी सबसेट, यहां पर रिलेशन कौन सा है, यहां पर रिलेशन सबसेट होने का है, तो ए बी रिलेटेड टू क्वेश्चन मार्क, बताइए ए बी सबसेट, ये इसी में ए बी सबसेट किसका है, क्या ए बी इसका सबसेट है, नहीं इससे रिलेटेड है, नहीं इसका सबसेट है, नहीं इसका इसका हां ए बी का तो है, ए बी का रिफ्लेक्सिव होता है ना, पार्शियल ऑर्डर रिफ्लेक्सिव होता है, AB का सबसेट तो होगा, लेकिन क्या AB BC का सबसेट है, नहीं है, क्या AB AC का सबसेट है, नहीं है, सिर्फ किसका सबसेट है, सिर्फ खुद का सबसेट है, वही बात है ना कि अगर M related to A तो M is equal to A, मतलब केवल खुद से related हो पा रहा है, तो ये ऐसे एलिमेंट्स क्या कराते हैं, मैक्सिमल एलिमेंट्स कहते हैं, क्लियर हो गया, तो इसके तीन मैक्सिमल एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसके तीन मैक्सिमल एलिमेंट्स आ रहे हैं, AB सेट BC और सेट AC,
ठीक आगे बढ़ सकते हैं हम लोग ठीक। अब एक एक क्वेश्चन है, हाँ कुछ पूछना है? आपको ये नहीं देखना होता है सेट के अंदर के एलिमेंट्स में ही ढूंढना है, लीस्ट अपर बाउंड आपका सेट के बाहर भी मिल सकता है ठीक है ना। तो वो कौन सा, अगर हम लोग सोचे इस सवाल को, बड़ा आसान सा सवाल है, वो कौन सा सबसे छोटा सेट होगा, लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, वो कौन सा सबसे छोटा सेट होगा जिसके लिए सभी सबसेट होंगे x, यानी एबीसी। तो x खुद इसका क्या है, लीस्ट अपर बाउंड, लेकिन वो इस सेट में नहीं है, मतलब जिस सेट की हम बात कर रहे हैं उसमें वो नहीं, ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, इज देयर अ मैक्सिमल एलिमेंट इन एवरी कोसेट। तो यहां पर तुम लोगों को लग रहा है भाई जितने एग्जांपल लिए सब में मैक्सिमल एलिमेंट मिल रहे थे और मैक्सिमल एलिमेंट्स की बाढ़ भी आ गई थी, मतलब एक एक नहीं दो दो तीन तीन मिल रहे थे, हो सकता है अगर सेट में चार एलिमेंट मिल गए और ज्यादा ज्यादा मैक्सिमल एलिमेंट मिल जाता, चार मैक्सिमल एलिमेंट मिल जाता, तब इस तरह के अगर हम एग्जाम्पल लेते तो एक नहीं बहुत सारे मैक्सिमल एलिमेंट मिल रहे हैं, तो क्या हम लोग ये कहने लगेंगे कि यस देयर विल बी अ मैक्सिमल एलिमेंट इन एवरी कोसेट? नहीं, नहीं होता है, कोई जरूरी नहीं होता है कि हर एक कोसेट में मैक्सिमल एलिमेंट मिले। पहली बात तो क्या कि जो मैक्सिमल एलिमेंट हम बात करते हैं तो हम उस सेट के अंदर ही ढूंढना होता है, ये कोई सुप्रीमम नहीं कि हम मतलब बाहर का एलिमेंट्स भी ले लेंगे कि हाँ लीस्ट अपर बाउंड बाहर का हो सकता है, नहीं, मैक्सिमल एलिमेंट हम उसी सेट में ही ढूंढे, ठीक है। तो इफ यस देन हाउ, इफ नो देन गिव एग्जांपल। तो इसका एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ये देखिए एग्जांपल n less than equal to, ये एग्जांपल आपके सामने है, इसका कोई मैक्सिमल एलिमेंट नहीं होगा, बहुत आसान है, अब ये तो आपका 1 2 3 4 5 और यूजुअल ऑर्डर ले लीजिए, इसमें आपने कौन सा ऑर्डर लिया है, यूजुअल ऑर्डर, तो यहां पर तो कोई भी मैक्सिमल एलिमेंट नहीं मिला। अभी थोड़े पहले हम लोग क्या बात कर रहे थे, मैक्सिमल एलिमेंट बहुत मिल रहे थे लेकिन वो सारे फाइनाइट वाले एग्जांपल्स थे, जितने भी थे फाइनाइट, मतलब दो चार उसमें सेट थे केवल, ठीक है ना। तो जब हम जैसे हम लोग n less than equal to पे आए तुरंत हमें इसमें कोई भी मैक्सिमल एलिमेंट नहीं मिल पा रहा। अगर हम सपोज करें कि 10 की पावर 100 इसका मैक्सिमल एलिमेंट है, सही, सपोज करते हैं कि 10 टू द पावर 100 इज मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ दिस सेट विद यूजुअल ऑर्डर, दिस इज यूजुअल ऑर्डर less than equal to, ठीक। तो अगर हम कहेंगे कि 10 टू द पावर 100 इसका मैक्सिमल एलिमेंट है तो फिर बात गलत हो जाएगी, क्योंकि 10 टू द पावर 100 तो अगर 10 की पावर 100 को आप कह रहे थे मैक्सिमल एलिमेंट, तो 10 की पावर 100 से भी बड़ा एलिमेंट उसमें उसी में है, बट 10 की पावर 100 इज लेस देन इक्वल टू दिस थिंग, तो हमारा क्लेम गलत हो गया कि 10 की पावर 100 इसका मैक्सिमल एलिमेंट होगा, समझ में आया? तो क्या इस तरह से मान लें कि ये मैक्सिमल एलिमेंट होगा? नहीं, क्योंकि फिर प्रश्न कर देंगे, बात सिंपल सी, ठीक। तो n लेस देन इक्वल टू का कोई मैक्सिमल एलिमेंट नहीं होता है। तो हाँ, अब हम लोग ये मैक्सिमल एलिमेंट की खोज करने निकले और खोज करते करते एक लेमा हम लोग को एक अंडरस्टैंडिंग में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूजफुल लेमा है, जॉन्स लेमा। ये बताता है कि व्हेन डज अ कॉन्सेप्ट पजेस मैक्सिमल एलिमेंट। देखिए, ये मैंने कोशिश की है कि सब कनेक्शन चलता रहे, मतलब पहले लेक्चर से अंतिम लेक्चर तक सब चीजें जुड़ी हुई रहे, तो कॉन्सेप्ट का मैक्सिमल एलिमेंट मिलने में दिक्कत आ रही थी, सही बात है। तो एक लेमा है सामने आया, जॉन्स लेमा। इस लेमा में वो कंडीशन बता दी गई है कि जिस कंडीशन के सेटिस्फाई होने पर, जिस कंडीशन के होल्ड करने पर मैक्सिमल एलिमेंट मिलना तय हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन क्या है? इफ एवरी चेन इन अ कोसेट हैज एन अपर बाउंड, इफ एवरी चेन, चेन क्या होती है? Yes, totally ordered subset of coset, totally ordered subset of coset is chain, chain. If
every chain, if every chain in a coset X has an upper bound, then X has a maximal element. Then X has a maximal element. तो n comma less than equal to में नहीं हो पा रहा। पहली चीज तो ये है कि n comma less than equal to खुद ही totally ordered है। जो खुद ही totally ordered है, खुद ही chain है। भाई वो खुद ही एक chain है। जितने भी totally ordered set होते हैं ना coset में, वो सारे chain होते हैं। वो खुद ही chain है। और n का कोई upper bound होता ही नहीं है। क्योंकि n तो bounded above है ही नहीं ना, less than equal to की बात करता हूँ। कोई इसका अपर बाउंड है नहीं, बाउंडेड है। तो ये जो चेन है ये कैसी है, बाउंडेड अबव कि नॉट बाउंडेड अबव? नॉट बाउंडेड अबव, ठीक है ना। अगर सारी की सारी चेन ऐसी हो जाए, इफ एवरी एवरी मतलब सारी की सारी चेन, अगर सारी की सारी चेन किसी पोसेट में ऐसी हो जाए कि उनका अपर बाउंड मिले, तो जो आपका पोसेट होता है उसका मैक्सिमल एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करता है। तो सभी फाइनाइट सेट के लिए काम कर जाएगा। हाँ, अब ये सोचने की बात है, ये इसको सोचिए और अच्छे से सोचिए, प्रूव करने की कोशिश करिए। मैं जितना आप लोग लिखेंगे ना उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। मैंने कहा ना आप इसको सोचिए, जितना सोचेंगे, राइट एग्जाम्पल एंड देन ट्राई टू राइट काउंटर एग्जाम्पल इफ एग्जिस्ट, है ना। इसी तरीके से हम लोग डेवलप करेंगे इसके, ठीक है। चलिए, तो दिस इज नॉट द केस विद एम कॉमा लेस देन इक्वल टू, m comma less than equal to के साथ ऐसा नहीं हो रहा। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात और आती है कि चलो जॉन्स लेमा को प्रूव करते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूंगा, ये प्रूव नहीं होगा, जस्ट लाइक एन एक्सियम, ठीक है ना। जैसे एक्सियम्स ऑफ सेट थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सियम्स ऑफ सेट थ्योरी है, अभी सब चल ही रहे हैं और अभी और भी आने वाले हैं, एक्सियम ऑफ चॉइस आएगा, ठीक है ना। लेकिन एक बात है, जैसे आप यूं समझ लीजिए कि अभी हम लोग जॉन्स लेमा देखते हैं, इसको एक एक्सियम की तरह स्वीकार किया गया। जैसे आप कहते हैं मतलब अगर हम मान लें कि जॉन्स लेमा ठीक है, मतलब सही है, तो हम एक्सियम ऑफ चॉइस को प्रूव कर सकते हैं। अगर हम मान लें कि एक्सियम ऑफ चॉइस ठीक है, तो जॉन्स लेमा को प्रूव कर सकते हैं, है ना। इसी तरह से जॉन्स लेमा को मान लें तो वेल ऑर्डरिंग थ्योरम प्रूव कर सकते हैं। वेल ऑर्डरिंग थ्योरम मान लें, ये दी ऑल दीस एक्सियम्स आर कंसिस्टेंट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ में, या विद द फेमस एक्सियम्स, विद द वेल नोन एक्सियम्स ऑफ द सेट थ्योरी, ऑलमोस्ट ऑल द एक्सियम्स ऑफ द सेट थ्योरी, ये वाला एक्सियम, ये एक्सियम ही है, तो ये उनके साथ में कंसिस्टेंट है, मतलब इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो इसको हम प्रूफ इज एक्सेप्टेड एज एन एक्सियम। अच्छा, आप लोगों ने जॉन्स लेमा खूब यूज किया है, ध्यान नहीं आ रहा, हान बना थ्योरम आप लोगों ने किया होगा, जब देखेगा तो हान बना थ्योरम को प्रूफ जब करते हैं तो वहां पर जॉन्स लेमा का यूज हुआ है। एक्सियम ऑफ चॉइस बहुत यूज होता है, एक्सियम ऑफ चॉइस के बारे में भी जल्दी देखते हैं। चलिए, तो जॉन्स लेमा ने क्या कहा, स्टेटमेंट बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा क्या? अच्छा, और अगर स्टेटमेंट को और अच्छे से समझना हो ना और फील करना हो, तो अगर हान बना थ्योरम का प्रूफ किसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट में देखेंगे तो वहां पर जहां पर आपको जॉन्स लेमा यूज करते हुए दिखेगा कि हाँ, वहां पर क्या कर रहे होंगे, एक उसकी प्रूफ कर रहे होंगे कि उसकी हर एक चेन का क्या है, अपर बाउंड। फिर दिखा देंगे हर एक चेन का अपर बाउंड है, तो इसका मतलब कि पूरे के पूरे सेट का क्या मिलेगा, मैक्सिमम। बस वहां जहां मैक्सिमम एलिमेंट दिखाएंगे वहीं आपका हान बना थ्योरम प्रूव हो रहा होगा, कुछ ऐसा हो रहा होगा, देखिएगा बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो जॉन्स लेमा का यूज, मतलब मैंने एक एग्जांपल दिया है कि हम लोग कहां कहां यूज कर सकते हैं, कहां कहां किया होता है। चलिए, चॉइस फंक्शन में हम लोग आ जाते हैं। चॉइस फंक्शन क्या होता है, इसको अच्छे से समझते हैं। चॉइस फंक्शन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेमा है, सॉरी चॉइस फंक्शन एक फंक्शन है, इसके बाद एक्सियम ऑफ चॉइस आएगा, वो एक्सियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चॉइस फंक्शन देखते हैं पहले, मैंने आपको बताया था ना कार्टेशियन प्रोडक्ट, हम लोग थोड़ा सा अटक रहे थे कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने में, है ना। तो अब चॉइस फंक्शन की मदद से हम लोग बहुत आसानी से लिख पाएंगे, ठीक। क्या है चॉइस फंक्शन, वो जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन पे जाने के पहले एक एग्जांपल लेते हैं, आसान सा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक छोटी सी फैमिली दी दो सेट्स, अच्छा इतना तो देख करके क्लियर हो रहा है
ये फैमिली लेने का मतलब है कि जो कैपिटल आई हमारा सेट है उसमें मैंने दो एलिमेंट्स लिए हैं, वन और टू है ना, जो हमारे इंडिसेस हैं, इंडेक्स हैं, वो वन और टू। तो हमारा इंडेक्सिंग सेट आई जो है वो है वन कॉमा टू, तो ये बना इवन है। ठीक, एक कंडीशन ध्यान रखनी है, नॉन एम्प्टी, द सेट्स मस्ट बी नॉन एम्प्टी, ये ध्यान रखना। तो आपके A1 A2 दोनों के दोनों सेट नॉन एम्प्टी होने चाहिए, या फिर इसमें जितने भी सेट्स AI होंगे वो सारे के सारे सेट्स नॉन एम्प्टी होने चाहिए, मतलब कम से कम एक एलिमेंट उनमें होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो चलिए सपोज करते हैं A1 में मैंने लिया AB ABC और A2 में मैंने ले लिया XY, दो नॉन एम्प्टी सेट्स, दो ही ये मैंने दो ही सेट्स हैं हमारी फैमिली। ठीक है, फिर एक फंक्शन में चॉइस फंक्शन की बात कर रहा हूं, एक फंक्शन में डिफाइन कर रहा हूं, उस फंक्शन को डिफाइन करने से पहले आप यूनियन कर दीजिए इस पूरी फैमिली की यूनियन। तो अगर हम लोग यहां पर इनकी यूनियन कर देंगे तो हमें यूनियन ए आई क्या मिलेगा, यहां पर ए बी सी एक्स, सिंपल सी बात। ठीक है, नाउ एफ इज अ फंक्शन, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आई, आई क्या है यहां पर 1 2, f is a function from I, this is indexing set 1 2, to the codomain, and codomain is union of all elements of all A's। ठीक है, और इसकी definition क्या है, इसकी definition है f of 1, मैं यहाँ पर f of 1 it must belong to A1, f of 2 must belong to A2, f of 3 must belong to A3 अगर है तो, अगर होता f of 4 must belong to A4 and f of I must belong to AI, f of I must belong to AI for every I belong to A। अच्छा एक बात है, यानी आपको AI में कम से कम एक एलिमेंट चाहिए, तभी तो उसी को तो FI कहोगे ना, फंक्शन डिफाइन करना है भाई, कुछ ना कुछ तो आउटपुट चाहिए ना, यानी कि आपको कम से कम एक एलिमेंट हर एक AI में चाहिए। तो हमारे सेट क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी, उधर फाइनल भी हो सकते हैं, नॉन एम्प्टी, भाई कम से कम एक एलिमेंट चाहिए, मतलब नॉन एम्प्टी सेट होना। मैंने पहले बोला ये जो फैमिली है इसके सारे सेट्स क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं एक चॉइस फंक्शन का एग्जांपल देने जा रहा था, तो एग्जांपल देखिए ये लिया गया, ये देखिए एग्जांपल 1 2 ए बी सी एक्स वाई, ओके नाउ लेट अस डिफाइन ए, अगर ये ले लेंगे चॉइस फंक्शन नहीं होगा, अगर ये ले लेंगे तो ये चॉइस फंक्शन नहीं है, चॉइस फंक्शन क्यों नहीं है, f of 2 must belong to A2, समझे, A2, A2 में B कहां है, A2 में x और y है, तो आप इसको या तो x पे इमेज होगी, या तो इसकी इमेज x होनी चाहिए, या तो इमेज y होनी चाहिए, मतलब 2 की इमेज मस्ट बी आइदर x और y, और 1 की इमेज A भी ले सकते हैं, B भी ले सकते हैं, और C भी ले सकते हैं। ठीक है ना, ये चॉइस फंक्शन का एग्जांपल हो गया, यहां पर क्लियर है, चॉइस टू ऑन टू कैसे, ये ऑन टू होगा, ये ऑन टू तो नहीं है, ऑन टू ऑन टू हां बंद बंद है, ये बंद बंद, हां ये बंद बंद है, ये बंद बंद। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल तो जो मैं बात कर रहा था कि वन की इमेज एक केस में, अगर आप एक एक चीज को लेकर कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, अगर A1 A2 में कॉमन एलिमेंट्स हो और अगर उन पे ये मैप प्रोजेक्ट हो रही तब ये मिनिमम हो सकता है, बात समझ में आ गई, जैसे मतलब मान लीजिए यहां पर C डालते हैं, C और वो भी C पे आ रहा है, ये भी C पे आ रहा है, सही है, तो मिनिमम हो सकता है। ठीक है, फिलहाल आपको मैंने पूछा है फंक्शन कैसा है, फंक्शन तो बहुत आसान है, फंक्शन बर्बन है और इनटू ऑनटू नहीं है, इंजेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। ठीक है, याद क्लियर हो गया, चलिए तो ये एक चॉइस फंक्शन क्लियर हुआ। अगर हम ये बात करें, एक सवाल बहुत आसान से पूछें कि कितने चॉइस फंक्शन बन पाएंगे, कितने चॉइस फंक्शन बन पाएंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं कितने चॉइस फंक्शन बन पाएंगे, सोचिए कितने सेट होंगे फैमिली, किसने बोला था सही, सिक्स होंगे, बहुत आसान है, यहां पर 6 चॉइस फंक्शन बन पाएंगे, क्योंकि वन की इमेज 3 तरीके से कर सकते हैं, आइदर ए और बी और सी, और टू की इमेज दो तरीके से कर सकते हैं, और आइदर एक्स और वाई, तो यहां पर आपको 6 मतलब वो मिलेंगे, आपको चॉइस फंक्शन, 6 चॉइस फंक्शंस मिलेंगे। ठीक है, ठीक है,
अच्छा अगर सोचो ए क्रॉस बी करते, ए क्रॉस बी या ए वन क्रॉस ए टू करते, सोचो ए वन क्रॉस ए टू करते कितने पेयर मिलेंगे, तभी तो सिक्स मिलेंगे। समझ में आ रहा है, यानी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं ना, छह वो भी मिले थे चॉइस फंक्शन, छह कार्टेशियन प्रोडक्ट भी मिले ना। चलो देखते हैं आगे, तो आप लोगों को चॉइस फंक्शन क्लियर हुआ कि नहीं पहले ये बताइए। ठीक है, पहले एग्जाम ऑफ चॉइस देख लेते हैं, जिसके बारे में तब से मैं बात कर रहा हूं। एग्जाम ऑफ चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जाम ऑफ चॉइस, एग्जाम ऑफ चॉइस क्या कहता है, देयर एग्जिस्ट अ चॉइस फंक्शन फॉर एनी आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स। मैंने पहले भी बोला कि जो सेट्स आप लोगे AI, A1, A2, X1, ये सारे के सारे सेट्स नॉन एम्प्टी होने चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम ऑफ चॉइस क्या कहता है, एग्जाम ऑफ चॉइस कहता है कि यू टेक एनी आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स, यू विल श्योरली गेट अ चॉइस फंक्शन, यू विल श्योरली गेट एटलीस्ट वन चॉइस फंक्शन। आपको चॉइस फंक्शन जरूर मिलेगा किसी भी फैमिली का, आपको कम से कम एक चॉइस फंक्शन जरूर मिलेगा। जैसे यहां पर हम लोग देख रहे हैं वो कितने चॉइस फंक्शन मिल रहे हैं, एक में छह मिल रहे हैं। ठीक है, ठीक, और देखते हैं और क्या ये भी अच्छा एक जैसे यहां पर हम चॉइस फंक्शन देख रहे हैं, चॉइस फंक्शन कैसे हो जाएगा, चाहे देखिए आप दूसरा देख रहे हैं, वन की इमेज को बी कर दीजिए, ठीक है ना, और टू को एक्स ही रहने दो, वाई मत, ये दूसरा चॉइस फंक्शन हुआ। अरे उससे अलग हो गया ना ये चॉइस फंक्शन, वन की इमेज बी हो गई तो फंक्शन तो चेंज हो गया ना, वन की इमेज ए थी अब वन की इमेज बी है तो फंक्शन तो नया आ गया ना, ये कि वही है, जब इमेज चेंज होती है तो फंक्शन चेंज हो जाता है। आप वन की इमेज को सी ले लीजिए और टू की इमेज को एक्स रहने दीजिए, तो तीसरा मिला, फिर तीन और मिलेंगे, वाई कर देंगे टू के लिए तो छह मिलता है। तो मैं क्या कह रहा था कि एक्सियम ऑफ चॉइस ये कहता है कि हर एक एनी आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स का चॉइस फंक्शन जरूर मिलेगा। ठीक है, अभी यहां पर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट से इसको समझने वाले थे, कोरिलेट करने वाले थे। फिलहाल ये अभी मैं विदाउट प्रूफ इसको कोट कर रहा हूं, एक्सियम ऑफ चॉइस इंप्लाइज जॉन्स लेमा एंड जॉन्स लेमा इंप्लाइज एग्जाम ऑफ चॉइस। और चलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट को रीडिफाइन करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट रिविजिटेड, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग रीडिफाइन कर रहे हैं चॉइस फंक्शन की मदद से, रीडिफाइन कर रहे हैं। नाउ वी आर रीडिफाइनिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली। कैसे रीडिफाइन कर रहे हैं, गिवन एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स दिस, ठीक है, ये आर्बिट्रेरी फैमिली हो गई, कैपिटल आई एक आर्बिट्रेरी सेट है, इंडेक्सिंग सेट कुछ भी हो सकता है, कितने भी इसमें एलिमेंट्स ले सकते हैं आप। देन जो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, इस फैमिली का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट दैट इज कलेक्शन ऑफ ऑल चॉइस फंक्शंस, दैट इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल चॉइस फंक्शन ऑन दिस फैमिली। इस फैमिली पर जितने चॉइस फंक्शन बन पा रहे होंगे, तो अब यहां पर आपको उससे छुटकारा मिल गया, इससे वो टपल्स वगैरह बनाने से, है ना। आपने सीधी सी बात कही, क्या कही, कलेक्शन ऑफ ऑल चॉइस फंक्शंस, f such that f is a choice function on this family, बस बात खत्म। So collection of all choice function can be considered as Cartesian product of the family। कितने यहाँ छह मिल रहे थे ना, और Cartesian product में कितने मिल रहे थे, मतलब मैंने समझाने पड़ते कि मैंने बात की, क्योंकि finite संख्या है छह, अगर ये पाने को तो मैं ऐसे counting तो कराना पड़ता, लेकिन मौका अच्छा था, मतलब छह पायलट संख्या थी, आप गिन सकते थे, मैं भी गिन सकता था, काउंटेबिलिटी भी जल्दी आने वाली थी, इसके बाद हम कार्डिनलिटी की तरफ बढ़ने दिए। तो ठीक है, तो सो दिस इज अ न्यू डेफिनेशन, यू कैन से एक नए तरीके से मैंने उसको रीडिफाइन किया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब एग्जाम ऑफ चॉइस क्या कहता है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहता है, कुछ कुछ टेक्स्ट आपको ऐसा मिलेगा, कुछ बुक्स आपको ऐसी मिलेंगी जहां पर एग्जाम ऑफ चॉइस आपको ऐसे लिखा हुआ दिखेगा। एग्जाम ऑफ चॉइस सेज दैट फॉर आर्बिट्रेरी में लिख सकता था, आप लिख सकते फॉर आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ, फॉर एनी आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉन एम्प्टी, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉन। अच्छा एक बात बताओ,
कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉन एम्प्टी का क्या मतलब हुआ? कार्टेशियन प्रोडक्ट तो चॉइस फंक्शंस का कलेक्शन है। चॉइस फंक्शन तो नॉन एम्प्टी सेट का बनता है ना? नहीं, जस्ट वो बोल रहा हूं। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉन एम्प्टी का क्या मतलब है? मतलब इसमें कुछ होगा जी। अरे नॉन एम्प्टी मतलब कम से कम एक चीज होगी है ना, और कार्टेशियन प्रोडक्ट किससे मिलकर बनाया? चॉइस फंक्शन से मिलकर बनाया। बात समझ में आ रही है? कार्टेशियन प्रोडक्ट चॉइस फंक्शन का कलेक्शन है। और अगर हम कह रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी मतलब कम से कम एक एलिमेंट और इसके एलिमेंट क्या है? चॉइस फंक्शंस। तो मतलब कम से कम एक चॉइस फंक्शन, और एक्सियम ऑफ चॉइस क्या कहता था? कम से कम एक चॉइस फंक्शन। बात समझ में आ गई? ठीक है, सो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन चॉइस फंक्शन इज एक्सियम ऑफ चॉइस। या वैसे कहें कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉन एम्प्टी, दिस इज ऑल्सो एक्सियम ऑफ चॉइस। बट एक्सियम ऑफ चॉइस को कहने के दो अलग तरीके। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, बढ़े आगे। ठीक, यीस्ट एलिमेंट देखिए, हम लोगों ने अपर बाउंड देखे, लीस्ट अपर बाउंड देखा, उसको सुप्रीमम भी कहते हैं, मैक्सिमल एलिमेंट देखा, उसी तरह से मिनिमम भी डिफाइन होता है। अगर आप चाहोगे तो गप्पे ढूंढना, टेक्स्ट में ढूंढना मिल जाएगा आसानी से। जैसे मैक्सिमल वैसे ही मिनिमम। अब बात करते हैं, वैसे ही कुछ और बात करते हैं, लीस्ट एलिमेंट स्मॉलेस्ट। आप कुछ जगह इसको पाओगे स्मॉलेस्ट एलिमेंट, कुछ जगह लिखा हुआ मिलेगा लीस्ट एलिमेंट, कुछ जगह लिखा हुआ मिलेगा फर्स्ट एलिमेंट। देखिए तीन तीन नाम है, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट पहला एलिमेंट है, लीस्ट एलिमेंट या स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ठीक है, इसका उल्टा क्या होगा? ग्रेटेस्ट एलिमेंट, और क्या नाम होगा उसका? लास्ट एलिमेंट। ठीक है, बिगेस्ट एलिमेंट। चलिए, या कुछ जगह और मिलता है, कुछ जगह उसको मैक्सिमम एलिमेंट भी कहते हैं, जो ग्रेटेस्ट मतलब एलिमेंट होता है उसको मैक्सिमम एलिमेंट लिखा हुआ, कुछ जगह कुछ टेक्स्ट में आपको उसका नाम मैक्सिमम एलिमेंट लिखा हुआ मिल जाएगा, तो उसे सरप्राइज नहीं होना कि अरे ये क्या मैक्सिमम एलिमेंट क्या हो। ठीक है, तो फिलहाल लीस्ट एलिमेंट जान लेते हैं क्या। ठीक, चलो जैसे आप 1 2 3 की बात करो, सेट इज 1 2 3, 1, 2, 3, और उसमें यूजुअल ऑर्डर, यूजुअल ऑर्डर मतलब यूजुअल ऑर्डर मतलब लेस देन इक्वल टू, यूजुअल का मतलब लेस देन इक्वल टू, जो हम जानते हैं 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3 एंड सो ऑन। तो यहां पर लीस्ट एलिमेंट 1 होगा जी, या फर्स्ट एलिमेंट 1, फर्स्ट लास्ट। देखिए आप उनको क्रम में खड़ा कर दीजिए, तो सबसे पहले खड़ा होगा वो फर्स्ट होगा, सबसे बाद में खड़ा होगा वो लास्ट होगा, हो गया। तो लीस्ट इज फर्स्ट एंड लास्ट इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, लेकिन ये तो बात मैंने किसके लिए की? यूजुअल ऑर्डर, जो कि टोटली ऑर्डर की भी बात करता है, मतलब जो यूजुअल ऑर्डर होता है वो तो हर जगह पाया जाता है। कोई भी दो नंबर ले लेंगे तो हम बता सकते हैं ना कि उनमें से कौन बड़ा होगा, अगर वो बराबर नहीं है। अगर वो बराबर है तो बात ही खत्म, नहीं तो हम बता सकते हैं लॉ ऑफ ट्रिपोटॉमी क्या कहता है, इफ यू टेक टू रियल नंबर्स ए एंड बी, देन देयर विल बी थ्री केसेस, आइदर ए इज इक्वल टू बी और ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी और ए इज लेस देन, तो आप दो नंबर लोगे तो वहां पे ये यूजुअल ऑर्डर हमेशा एक तरफ से दूसरी तरफ मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, फिलहाल लीस्ट एलिमेंट क्या है? अपर बाउंड या लीस्ट अपर बाउंड सेट के बाहर हो सकता था, हाँ हो सकता था। इसी तरह से लोअर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वो भी बाहर हो सकता है। देखिए मैक्सिमम मिनिमम हम सेट के अंदर की एलिमेंट लेंगे, उसी तरह से जो ये लीस्ट एलिमेंट लेने जा रहे हैं ये भी सेट के अंदर का ही एलिमेंट लेंगे। ठीक, और कैसे डिफाइन करेंगे? सपोज किसी आपने एक कोसेट दिया x, less than equal to, मैं less than equal to वो जरूर रहा हूं, लेकिन ये less than equal to नहीं है, एक पार्शियल भी पार्शियल है, ये डिवाइड भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है। सपोज कीजिए कि मैंने एक कोसेट लिया, उस कोसेट x में एक एलिमेंट स्मॉल a, देखिए उसी के अंदर ले रहा है, मैं आई एम अगेन रिपीटिंग, सेट के बाहर नहीं जाता, सेट के अंदर ही। एक एलिमेंट स्मॉल a क्या कहलाता है? फर्स्ट एलिमेंट या स्मॉलेस्ट एलिमेंट या लीस्ट एलिमेंट of x, ठीक है? If अगर वो a सभी एलिमेंट से less than equal to हो रहा है, if that element a is less than equal to all the elements of the set, of the coset, तो क्या कहते हैं कि वो एलिमेंट क्या है? least element। अच्छा चलो last element या greatest element की क्या definition बनेगी? एक ऐसा एलिमेंट स्मॉल b जो कि सबसे बड़ा हो रहा है, मतलब कि उसमें क्या लिखेंगे, उसमें इसको उल्टा करके लिखेंगे x less than equal to b for all x belong to x, वो हो गया लास्ट एलिमेंट।
और ये है फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं और इस एग्जांपल से समझते हैं कि क्या इसका कोई यीस्ट एलिमेंट होगा या नहीं होगा वगैरह। अभी थोड़ी देर पहले आपको याद आ रहा होगा, क्यों याद आ रहा है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या किया था, अरे चलो किसी सेट में से 5 माइनस करते हैं। अभी वहां पर अगर किसी को नहीं भी समझ में आया होगा आप समझ में आ रहे हैं, अगर किसी सेट में से 5 माइनस करते हैं तो क्या होता है, क्या आता है, अरे वही से आता है, सिंपल सी बात है, जिससे किसी भी सेट में से आप 5 माइनस करोगे वही आ जाएगा। लेकिन अगर किसी सेट में से ये पाई नहीं है, क्या ये पाई है, नहीं ये पाई नहीं है, दिस इज सिंगल डिजिट, ये माइनस करेंगे तो शायद फर्क पड़ जाएगा, यस फर्क पड़ेगा। जैसे आपने यहां पर x लिया है एबीसी, तो पावर सेट ऑफ x की कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी की बात जल्दी शुरू होने वाली है, तो इसकी वैसे तो हम लोग जानते हैं 2 पावर 3 होगी, 2 पावर 3 मतलब 8 होगी, उन 8 में ये भी होता है कौन, पाई होता है ना, लेकिन पाई किस एक सेट के तौर पे उसमें शामिल होता है ना? अगर हम सिंगलटन सेट पाई को वहां से हटाते हैं ना, तो सिंगलटन सेट पाई मतलब इसका एलिमेंट कौन, बताओ इसका एलिमेंट कौन, इसका एलिमेंट कौन, पाई, यस। और अगर केवल पाई लिखा होता, सिंगल डिजिट ना लिखा होता, उसका एलिमेंट कौन, कोई नहीं, ये फर्क है। ये याद करिए, मैंने वहां पर px माइनस x लिखा था, तो कुछ भी तो px पूरा आ रहा है, लेकिन अगर px माइनस सिंगल डिजिट x करके लिखोगे असल में आएगा पाई, तो x उड़ जाएगा, x हट जाएगा, उसी तरह से यहां से पाई हट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो बचेगा ये, तो क्या बचेगा, ए बी सी और कौन, ए बी बी सी ए सी और अंत में कौन, ए बी सी भी बच जाएगा पूरा एक्स, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। चलिए इसका इसका फर्स्ट एलिमेंट ढूंढना है, फर्स्ट मतलब लीस्ट एलिमेंट ढूंढना है, लीस्ट एलिमेंट नहीं होगा, अच्छा चलिए देखते हैं लीस्ट एलिमेंट क्या होता है, which is less than equal to all, जो सबसे छोटा है, which is less than equal to all, इसमें तो subtract वाला relation होगा, हाँ, यहाँ पर relation जो है, मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पर लोग already जानते हैं कि inclusion relation की बात हो रही है, जो steps की बात हम लोग कर रहे हैं, वहाँ subset का relation चल रहा है, तो बताइए, ये एक किस किसका सभी का subset होगा मेरे पास? नहीं, नहीं है, ये देखिए, B का नहीं है, देख लीजिए, ये देखिए, तो क्या ये जो a है, क्या ये जो a है, क्या ये सबसे रिलेटेड है, नहीं है ना, नहीं है, जो सबसे रिलेटेड होगा वही होगा फर्स्ट एलिमेंट, वही होगा लीस्ट एलिमेंट, क्लियर हो गया, फर्स्ट एलिमेंट या लीस्ट एलिमेंट क्लियर हो गया, समझ में आ गया, तो बताइए इसका लीस्ट एलिमेंट कौन है, a तो नहीं है, b होगा, फिर सिंगल डिजिट b है क्या, नहीं है, c है क्या, अगर इसमें 5 बड़ा होता वो मिस करना है, 5 अगर 5 इसमें रहा होता तो वो लीस्ट एलिमेंट भी होता इसका, बात समझ में आ गई, चलिए अब हम बात करते हैं मिनिमल एलिमेंट्स, लीस्ट एलिमेंट तो कोई ना मिला, मिनिमल एलिमेंट्स, अब सुनो मिनिमल एलिमेंट उल्टा बोला, मिनिमल एलिमेंट कैसे बोला जाता है, वो एलिमेंट जैसे मैक्सिमम में क्या बोलते थे, वो एलिमेंट जिससे बड़ा उसमें कोई नहीं है, ये तो बोला था मैंने, वो एलिमेंट जिससे बड़ा उसमें कोई नहीं, मिनिमल में वो एलिमेंट जिससे छोटा उसमें कोई नहीं, वो एलिमेंट जिससे छोटा उस सेट में कोई नहीं, एक जैसे कि एबीसी, ये देखिए कौन है एबीसी, सिंगलटन, वेरी गुड, ये मिनिमल है, देखो कैसे है, चलो बताओ इसका सबसेट, इसका सबसेट, इसका सबसेट इसमें कौन है, सिर्फ और सिर्फ ए खुद, क्या आया, केवल और केवल ए, जैसे वहां था नहीं कि ए और एम बराबर हो जाते हैं, मतलब आप यू कह सकते हैं कि सिंगलटन सेट ए किससे रिलेटेड है, सिर्फ और सिर्फ खुद से, और कोई और उससे छोटा मतलब उधर कोई और नहीं हो सकता, तो ये हो गया इसका क्या, कैसा एलिमेंट, मिनिमल, क्लियर, समझ आ गया, क्या कोई और मिनिमल एलिमेंट होगा, क्या इसका कोई और मिनिमल एलिमेंट होगा, मिनिमल, मिनिमल सिंगलटन बी इसका मिनिमल है,
मिनिमल है तो कितने मिनिमल एलिमेंट मिल गए? तीन मिनिमल एलिमेंट मिल गए. और लीस्ट एलिमेंट कितने मिल गए? एक भी नहीं मिला. बातें समझ आ रही है? देखिए कितनी सही चीजें. सुप्रीमम वो एक अलग क्लास है. सुप्रीमम इन्फिमम यानी अपर बाउंड्स लोअर बाउंड्स वो अलग चीज है. फिर हम लोग इसमें है मैक्सिमम मिनिमम. देखो अलग चीज है. मैक्सिमम मिनिमम इज डिफरेंट फ्रॉम दिस फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट. इससे अलग बात है. बातें समझ में आ रही है? ये सब चीजों को घर में अच्छे से और सोचने की जरूरत लगती है ना. बहुत अच्छे से सोचिएगा. बहुत अच्छे से आराम से बैठ के सोचिएगा और समझ आएगा. एग्जांपल्स आपको बहुत सारे मिलेंगे. आप नेट पे भी ढूंढिएगा आपको मैक्सिमम मिनिमम खूब सारे एग्जांपल्स के मिलेंगे. काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे. चलिए फिर देखते क्या है. वेल ऑर्डर्ड सेट. अब एक और चीज आ गई सामने. एक और बात सामने आ गई. वेल ऑर्डर्ड सेट. एक तो टोटली ऑर्डर्ड का सेट. क्या होता है टोटली ऑर्डर्ड? टोटली ऑर्डर्ड सेट क्या होता है? जिसमें सारे के सारे कोई भी दो एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हो रहे हैं. मतलब किस तरह से आइदर ए रिलेटेड टू बी हो रहा होता है या बी रिलेटेड टू ए हो रहा है या फिर दोनों इक्वल हो रहे हैं तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो रहे हैं. वेल ऑर्डर्ड सेट का क्या मतलब है? वेल ऑर्डर को लेकर के लोग बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं तो कंफ्यूजन में आपका दूर करना चाहूंगा. पहले तो वेल ऑर्डर की डेफिनेशन है. वेल ऑर्डर सेट अपोजिट अपोजिट एक्स कॉमा सम ऑर्डर मतलब पार्शियल ऑर्डर जो कि लेस देन इक्वल टू मैं बोल दे रहा हूं बट वो लेस देन इक्वल टू है कुछ भी हो सकता है. एक पार्शियल ऑर्डर अपोजिट एक्स कॉमा लेस देन इक्वल टू इज वेल ऑर्डर. मतलब आपने टोटली ऑर्डर पढ़ा था तो वो भी पोसेट ही है. पोसेट खास तरह का पोसेट हो गया वो टोटली ऑर्डर कहता है. वैसे ही खास तरह का पोसेट है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या है? वेल ऑर्डर. अब पोसेट इज वेल ऑर्डर इफ एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट इफ एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स हैज अ लीस्ट एलिमेंट. एग्जांपल देता हूं तब ज्यादा समझ में आएगा. और वो भी पता है मैं एग्जांपल दे रहा हूं इनफाइनाइट पार्ट. फाइनाइट पार्ट में तो देखना आसान होता है. ठीक है इनफाइनाइट वाले एग्जांपल देते हैं. जैसे कि इनफाइनाइट में एक बड़ा ही इस एग्जांपल की बात करते हैं. एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विद यूजुअल ऑर्डर. आई हैव टेकन यूजुअल ऑर्डर. चलिए अगर हम लोग इसमें कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट लेंगे एम का कोई भी सबसेट. अच्छा आप एम का कोई भी सबसेट लो. नॉन एम्प्टी सबसेट तो आप लेंगे फाइव छोड़ के तो एम का कोई भी सबसेट लीजिए आप. तो आपने पढ़ा होगा यूजुअल ऑर्डर लेस देन इक्वल टू में एम बाउंडेड बिलो सेट होता है ना. वन से छोटा इसमें कुछ नहीं है. नहीं है ना? वन से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता है क्या? नहीं. तो वन इस और वन इसका वो भी होता है इन्फिमम भी होता है. सब पढ़ा होगा. वन से छोटे सभी नंबर इसके लोअर बाउंड है. जीरो इसका लोअर बाउंड है. वन बाई टू जो है वो भी इसका लोअर बाउंड है. निगेटिव नंबर इसके सारे लोअर बाउंड. ठीक है ना? बाउंडेड बिलो सेट है. कौन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर? पूरा का पूरा हमारा बाउंडेड बिलो. अगर आप नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे केवल ठीक है और नेचुरल नंबर्स के सेट का आप क्या लोगे? सबसेट. अपोसेट इज वेल ऑर्डर इफ एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स. तो यहां पे आपने एन ले लिया है. जो आपने वहां पे x कहा था x को आपने n ले लिया है और जो ऑर्डर है वो आपने लेस देन इक्वल टू यूजुअल ऑर्डर ले लिया है. फिर अगर आप कहें कि लेट a इज अ सबसेट ऑफ n एनी सबसेट ऑफ n तो बहुत आसान सी बात है कि कैपिटल a जो सेट होगा उसका लीस्ट एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा. करेगा ना लीस्ट एलिमेंट दैट विल बी अ नेचुरल नंबर. That will be a natural number. जो उसका और मैं ये भी बता दूं जो उसका इन्फिमम होगा वही उसका लीस्ट एलिमेंट होगा कैपिटल ए का. जो उसका इन्फिमम मिलेगा वही उसका लीस्ट एलिमेंट होगा. तो एम कॉमा लेस देन इक्वल टू में तो ये बात होगी कि कोई भी सबसेट अगर आप एन का लेंगे इफ यू टेक एनी सबसेट ऑफ एन
then there will be a least element of that set with respect to this order. लेकिन अभी मैं n n की जगह मैं example change कर रहा हूँ और example change करके मैं ये कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, example change कर दिया और अब मैंने ये example लिया, ये देखो, I have changed the example. Close interval 0, 1. Close interval 0, 1, comma, usual order. ठीक है? क्या ये well ordered है? क्या ये? Is this well ordered? इसका answer है no. इसका answer है no. क्यों no है? मैं बता रहा हूं आपको क्यों no. Well ordered set क्या होते हैं? पोसेट होते हैं. कैसे पोसेट होते हैं? जिससे हर एक सबसेट का लीस्ट एलिमेंट मिलता हो. अब आप इसका एक सबसेट लेंगे ओपन इंटरवल 0, 1. यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने कैच किया. ओपन इंटरवल 0, 1, इसका ये x है, x x का सबसेट a है ना, तो आपने लिया ओपन इंटरवल 0, 1. ठीक है, चलो इसका लीस्ट एलिमेंट क्या होगा, चलो सोचते हैं इसका लीस्ट एलिमेंट क्या होगा, इसका लीस्ट एलिमेंट क्या होगा, क्या जीरो इसका लीस्ट एलिमेंट होगा? नहीं. पहली चीज तो लीस्ट एलिमेंट हम कहां ढूंढते थे? उसी सेट के अंदर ढूंढते थे, कुछ याद आ रहा है? लीस्ट एलिमेंट, मैक्सिमल, मिनिमल, ये सारी चीजें हम लोग कहां सर्च करते थे? उसी सेट के अंदर ढूंढते थे. तो क्या जीरो इसके अंदर है? क्या जीरो ए में है? नहीं है. तो जीरो कैन नॉट बी मिनिमल, क्या मतलब जीरो कैन नॉट बी लीस्ट है? जीरो कैन नॉट बी least element. तो एक काम करते हैं ना, जीरो से बड़ा एक बहुत छोटा सा नंबर देते हैं. मतलब अभी मैं बस कंट्राडिक्शन देने के लिए बोल रहा हूं, अपनी बात को भी गलत कर दूंगा. मतलब कुछ ऐसा करते हैं कि जो जीरो से बिल्कुल बड़ा वाला है उसको ले लेते हैं, वो हो जाएगा least element. एप्सिलॉन ले लेते हैं, और एप्सिलॉन क्या है? जीरो से बड़ा है, लेकिन एप्सिलॉन भी बहुत छोटा है. एप्सिलॉन भी बहुत छोटा है, जीरो के बिल्कुल बगल में है. तो किसी ने कहा कि एप्सिलॉन को लीस्ट एलिमेंट ले लीजिए, है ना? एप्सिलॉन इसका क्या कहते हैं? लीस्ट एलिमेंट. पहली बात, लीस्ट एलिमेंट कहां होना चाहिए? सेट के अंदर होना चाहिए ना. तो सेट के अंदर की तो किसी को आप कैंडिडेट बनाओगे ना लीस्ट एलिमेंट होने के लिए. तो आपने चुना एप्सिलॉन को, एप्सिलॉन को आपने छोटा किया पहले, और छोटे हो जाओ, छोटे हो जाओ, छोटे हो जाओ, और उसको कहा यही लीस्ट एलिमेंट होगा. नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए, क्या कौन होता है लीस्ट एलिमेंट? लीस्ट एलिमेंट वो होता है, लीस्ट एलिमेंट वो होता है जो सभी से लेस देन इक्वल टू है, मतलब जो सभी से रिलेटेड है. ठीक. तो देखिए, आप जानते हैं एप्सिलॉन आप जीरो तो नहीं ले सकते ना. जीरो क्यों नहीं ले सकते? अरे जीरो इज नॉट इन द सेट. लीस्ट एलिमेंट कहां होता है? सेट में होता है. तो एप्सिलॉन आपने दिया लीस्ट एलिमेंट, तो एप्सिलॉन तो सेट में होगा ना. लेकिन एप्सिलॉन जीरो नहीं हो सकता क्योंकि जीरो सेट में नहीं है, एप्सिलॉन सेट में है, अलग अलग. ठीक. एप्सिलॉन मतलब पॉजिटिव फिगर. तो आप जानते हैं एप्सिलॉन किन्हीं दो रियल नंबर के बीच में कितने रियल नंबर होते हैं? इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, है ना? तो यानी कि एप्सिलॉन से छोटे और जीरो से बड़े रियल नंबर होंगे ना, एक नहीं होंगे, बहुत सारे, इनफाइनाइट अनकाउंटेबल होंगे. तो अभी यहां पर आप एक और पकड़ लाइए, है ना? तो अब बताइए, अगर एप्सिलॉन को आप कह रहे थे लीस्ट एलिमेंट हो जाओ, तुम तो लीस्ट एलिमेंट हो गए, तो एप्सिलॉन जाएगा नहीं. क्यों? क्योंकि ये जो एप्सिलॉन 1 है, ये एप्सिलॉन से भी छोटा है. तो आप कहेंगे एप्सिलॉन 1 इज द लीस्ट एलिमेंट. ये आप कहेंगे एप्सिलॉन 1 है वो सबसे छोटा है. कैसे हो जाएगा? एप्सिलॉन 1 और 0 के बीच में क्या नंबर नहीं मिलेंगे? ये तो बस तो आपको मिलते ही रहेंगे, मिलते आपको लीस्ट एलिमेंट नहीं मिलेगा. क्लियर हो गया? तो क्या कहेंगे? जो क्लोज इंटरवल 0, 1 कॉमा लेस देन इक्वल टू वाला था, ठीक है ना, इसमें आप अगर ये सेट लोगे ए, ओपन इंटरवल 0, 1, तो इस सेट का लीस्ट एलिमेंट नहीं पाया जाएगा. बस समझ में आ गई? सो दिस इज नॉट वेल ऑर्डर्ड, दिस इज नॉट वेल ऑर्डर्ड, दिस इज नॉट वेल ऑर्डर्ड.
ठीक है, चलिए पूरे आर की बात कर लेते हैं। क्या आर कॉमा लेस देन इक्वल टू वेयर ऑर्डर्ड है? नहीं, आर कॉमा लेस देन इक्वल टू इज नॉट वेयर ऑर्डर्ड। अरे आर का सबसे खुद आर ही देखो, आर का तो कोई भी एलिमेंट मिलेगा ही, ठीक है ना? चलिए तो अभी तो आपको ये, अच्छा हाँ एक चीज और, यहां पर मैं कुछ बात सामने रखना चाहता हूं। वेल ऑर्डर इंप्लाइज टोटली ऑर्डर, बट टोटली ऑर्डर डज नॉट इंप्लाई वेल ऑर्डर। तो एग्जाम्पल, इसमें टोटली ऑर्डर डज नॉट इंप्लाई वेल ऑर्डर, सामने तो लिखा है। देखिए आर का मान लेस देन इक्वल टू क्या होता है? टोटल ऑर्डर होता है ना, लेस देन इक्वल टू टोटल ऑर्डर। लेस देन इक्वल टू यूजुअल ऑर्डर, अरे कोई दो नंबर लेंगे तो लेस देन इक्वल टू होगा ना, ए लेस देन इक्वल टू बी या बी लेस देन इक्वल टू ए। तो आर कॉमा लेस देन इक्वल टू कैसा सेट है? टोटली ऑर्डर्ड है बट नॉट वेल ऑर्डर्ड। वेल ऑर्डर्ड क्यों नहीं है? अरे क्योंकि इसका खुद आर ही ले लो, उसका कोई मिनिमल लीस्ट एलिमेंट नहीं है। बात क्लियर है? ठीक है, चलते। तो यहां पे यह हो गया कि टोटली ऑर्डर्ड है बट वेल ऑर्डर्ड नहीं है, टोटली ऑर्डर्ड है बट वेल ऑर्डर्ड नहीं है। देखिए इसके नीचे कुछ और लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या लिखा हुआ है? वेल ऑर्डर्ड इंप्लाइज टोटली ऑर्डर। क्या मतलब है इसका? कि अगर कोई पोसेट आप ले लेंगे जो कि वेल ऑर्डर्ड हो तो वो हमेशा टोटली ऑर्डर्ड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? चलिए देखिए, बहुत आसान है, एक लाइन की चीजें इसलिए मैं लिख दे रहा हूं, बहुत लंबा अगर एक घंटे का मेरा लेकिन जो वेल ऑर्डर से होते हैं वो इंप्लाई करते हैं टोटली ऑर्डर, मतलब वो हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे मैं बता रहा हूं, आप लोग भी देखोगे तो ये बहुत आसान सी बात है। देखिए एक काम करिए, आपको आपको सपोज कीजिए, ध्यान से देखिएगा, सपोज कीजिए कि x कॉमा लेस देन ये ले लो जनरल, ये एक पोसेट है और कैसा है? वेल ऑर्डर। कैसा है? वेल ऑर्डर। सो यू हैव टेकन अ वेल ऑर्डर पोसेट, व्हाट डू यू वांट टू प्रूव? दैट इट विल बी टोटली ऑर्डर, है ना? तो टोटली ऑर्डर पोसेट टोटली ऑर्डर कब हो जाता है? जब कोई भी दो एलिमेंट कंपेयर हो सके, कंपेरेबल हो, है ना? तो चलिए काम करके इसको प्रूव करने के लिए, इसमें कोई दो एलिमेंट ले लीजिए जनरल, एनी, लेट समझेगा x कॉमा y बिलोंग टू x। अब आप क्या प्रूव करना चाहते हो? आप ये प्रूव करना चाहते हो या तो x y से लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, मतलब रिलेशन हो जाएगा, या y x से हो जाएगा, ये तो प्रूव करना चाहते हो ना? बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा कैसे करने वाले? लीस्ट एलिमेंट सबसे रिलेटेड होगा और दैट्स ओवर। कौन होगा? किसका लिस्ट है? वेल ऑर्डर सेट। तो वेल ऑर्डर ये गलत है? हाँ, तो उसमें कोई सेट बनाओगे ना? किसको बनाएंगे? नहीं नहीं, बहुत करीब हो, बहुत ज्यादा करीब हो। देखो मैं बता रहा हूं, वेल ऑर्डर सेट क्या होते हैं? वेल ऑर्डर सेट क्या होते हैं? इफ यस एवरी नॉन एंट्री सबसेट ऑफ एक्स हैज अ लीस्ट एलिमेंट, है ना? ठीक है, तो ये तो आपका कैपिटल एक्स पूरा सेट हो गया, इसमें आपने दो एलिमेंट लिए थे, आप एक सेट तैयार करो उसमें दो एलिमेंट हो एक्स और वाई। देखिए पूरे एक्स में आपने दो पॉइंट लिए, इन दोनों पॉइंट को लेकर एक सेट तैयार कर लीजिए कैपिटल एक्स। तो क्या ये ए एक्स का सबसेट है कि नहीं है? है ना? और एक्स आपका वेल ऑर्डर है कि नहीं है? है। तो वेल ऑर्डर सेट क्या होते हैं? उसके जो सबसेट होते हैं उनका क्या होता है? लीस्ट एलिमेंट, उनका लीस्ट एलिमेंट होता है। तो यानी इसका भी क्या मिलेगा? इसका भी क्या मिलेगा? एक एलिमेंट मिलेगा जो इसका लीस्ट एलिमेंट होगा। एक बात बताओ, लीस्ट एलिमेंट कहां मिलेगा? सेट से बाहर मिलेगा, अंदर मिलेगा? तो दो केस बनते हैं, देयर आर टू केसेस। कौन कौन से दो केसेस? आइदर इसका लीस्ट एलिमेंट एक्स होगा या तो इसका लीस्ट एलिमेंट y होगा। अगर इसका लीस्ट एलिमेंट x होगा, समझ लीजिए अगर इसका लीस्ट एलिमेंट x होगा तो x इसके सभी एलिमेंट से छोटा हो गया, तो x लेस देन इक्वल टू y नहीं हो गया। और अगर इसका लीस्ट एलिमेंट y होगा तो हो गया कंपेरेबल।
every well ordered set is totally ordered, but not totally. But totally ordered need not be well ordered. ठीक है, जैसे आपने m comma less than equal to की बात की थी, वो तो ये तो आपका होता ही है well ordered. ये तो totally ordered भी है और well ordered भी है. लेकिन r comma less than equal to में totally ordered तो है, but well ordered नहीं. सुनिएगा और वहां पे सुन करके सरप्राइज होंगे थोड़ा सा. वेल ऑर्डरिंग थ्योरम कहता है, वेल ऑर्डरिंग थ्योरम कहता है एवरी सेट कैन बी वेल ऑर्डर्ड. और ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. वेल ऑर्डरिंग थ्योरम सेज एवरी सेट कैन बी इन दिस होल यूनिवर्स, एवरी सेट कैन बी वेल ऑर्डर्ड. ये एवरी सेट कैन बी वेल ऑर्डर्ड. एक बात बताइए, आर कॉमा लेस देन इक्वल टू के बारे में क्या कहता है? वेल ऑर्डर्ड है क्या? नहीं है. और वेल ऑर्डरिंग थ्योरम क्या कहता है? एवरी सेट कैन बी वेल ऑर्डर. तो आर कॉमा लेस देन इक्वल टू तो वेल ऑर्डर नहीं है, तो क्या वेल ऑर्डर का गलत हो गया? गलत हो गया. तब तो हम उसको आज पढ़ ही ना रहे होते भाई. गलत चीजें पढ़ने के लिए तो मैं आया, पढ़ाने के लिए मैं नहीं आया. आप पढ़ने के लिए, मतलब पढ़ने का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं. देखिए, आर कॉमा लेस देन इक्वल टू इज नॉट वेल ऑर्डर. Does it mean we have got a contradiction? हम लोग बहुत बड़े researchers हो गए, mathematicians हो गए. हम लोगों ने कह दिया अरे well ordered गलत हो गए, सारी theory गलत. नहीं, ऐसा नहीं. जहां पर can be होता है ना, can be हो सकता है, वहां बहुत सारी संभावना छुपी होती है. और मैंने ये तो बोला था कि every poset is well ordered. I did not say every poset is well ordered. I said every set can be well ordered. Every set can be well, मतलब हर एक सेट वेल ऑर्डर्ड बनाया जा सकता है. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको उसमें जो आप ऑर्डर पार्शियल रिलेशन होता है वो आप नए तरीके से डिफाइन करोगे. बात समझ में आ रही है? उसमें जो पार्शियल ऑर्डर लोगे वो एक सुटेबल तरीके से डिफाइन करके आप लोग उस दिए हुए सेट को वेल ऑर्डर्ड बना सकते हो. मतलब ये है कि r कॉमा लेस देन इक्वल टू वेल ऑर्डर्ड नहीं है. वो क्यों नहीं है? क्योंकि उस साथ में रिलेशन कौन सा है? यूजुअल ऑर्डर. उसको हटा दीजिए. देयर विल एग्जिस्ट सम अदर रिलेशन विद r व्हिच विल मेक इट वेल ऑर्डर्ड, जिसको वेल ऑर्डर्ड बना देगा. ठीक है. लेकिन अब एक और इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात, कि r पर ऐसा कोई रिलेशन का फॉर्मूला आज तक नहीं लिखा गया है. क्योंकि एक ऐसा फॉर्मूला लिख दिया जाए, अभी मैं एग्जांपल दूंगा वेल ऑर्डर बनाने का, मैं इंटीजर का बता दूंगा, लेकिन आर के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला अभी तक लिखा नहीं गया है कि हाँ कि देखो ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला लगा दो और ये क्या बन गया वेल ऑर्डर. ऐसा फॉर्मूला लिखा नहीं है. लेकिन तब भी ये बात कही जाती है क्या? एवरी सेट कैन बी, मतलब आर के ऊपर एक ऐसा हम क्या ऑर्डर ढूंढ सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, जिससे कि वो पोसेट क्या बन जाएगा? वेल ऑर्डर बन जाएगा. लेकिन आर के ऊपर अभी तक कोई एक फॉर्मूला अभी तक नहीं लिखा जा चुका है कि जिससे कि वो क्या हो रहा हो, वेल ऑर्डर्ड हो रहा हो. फॉर्मूला अभी तक नहीं लिखा है. ठीक है. तो फिर ये कैसा थ्योरम है? क्या है? तो मैं आपको फिर एक चीज जो ये थ्योरम हम प्रूव करने के लिए नहीं बैठे, ये भी एक एक्सियम है. समझ में आ गया? और ये एक्सियम भी प्रूव हो सकता है. कब? अगर आप जॉन लेमा को प्रूव मान लो. अगर आप, वो कौन सा एग्जाम था? एग्जाम ऑफ चॉइस. मतलब एग्जाम ऑफ चॉइस को सही मानते हुए हम ये प्रूव कर पाएंगे कि आर के ऊपर भी आर को भी वेल ऑर्डर्ड बनाया जा सकता है. हम वहां पर, हालांकि फॉर्मूला तो नहीं, लेकिन हम ऐसे करेंगे कि हाँ इस तरह से वर्किंग होगी पूरी, जिसके बाद हम लोग दिखा पाएंगे. सो एवरी सबसेट ऑफ आर विल बी हैविंग मिनिमल एलिमेंट करके वो वहां दिखा पाएंगे. लेकिन फॉर्मूला ऐसा कोई नहीं. बात समझ में आ रही है? मतलब उसको मानते हुए ये कर सकते हैं, या एक्सियम ऑफ चॉइस को मानते हुए हम लोग दिखा सकते हैं कि एवरी सेट कैन बी वेल ऑर्डर्ड. हालांकि मैंने भी बोला था कि सेट ऑफ इंटीजर्स की जहां तक बात है, सेट ऑफ इंटीजर्स, अच्छा सेट ऑफ इंटीजर्स की अगर आप बात करोगे तो आप ये लिखोगे
बोलिए उनको एक सवाल टोटली ऑर्डर्ड है क्या यूजुअल ऑर्डर में टोटली ऑर्डर्ड है क्या नहीं है टोटली ऑर्डर ये रिलेशन नहीं लिखा है टोटली ऑर्डर ये तो यूजुअल ऑर्डर भाई कोई भी दो नंबर लिखते हैं तो लेस देन इक्वल टू तो होता ही ना प्रोसेस टोटली ऑर्डर्ड है वेल ऑर्डर्ड है क्या नहीं यू जस्ट टेक जेड खुद जेड का सबसेट है उसका मिनिमल एलिमेंट क्या होगा वो लीस्ट एलिमेंट उसका लीस्ट एलिमेंट क्या होगा क्या माइनस टू क्या माइनस टू करोड़ नहीं कुछ भी नहीं होगा नहीं एग्जिस्ट करेगा है ना तो इसका मतलब ये वेल ऑर्डर्ड नहीं है लेकिन मैंने क्या बोला एवरी सेट कैन बी वेल ऑर्डर्ड मतलब आप इस सेट के साथ जो रिलेशन दे रहे हो उसको हटा दो इस रिलेशन को भूल जाइए एक नया रिलेशन अभी हम लोग लिखते हैं देखते हैं उसमें वेल ऑर्डर्ड हो जाएगा बात समझ आया ना ठीक तो देखिए वो रिलेशन में क्या दे रहा हूं ये वेल ऑर्डर्ड फॉर जेड चेक आउट दिस इज क्या लिया एक्स कॉमा वाई इंटीजर्स हैं इंटीजर्स हैं और एक्स रिलेटेड वाई है ये मैं पार्शियल ऑर्डर डिफाइन कर रहा हूं एक्स रिलेटेड वाई है अगर क्या हो अगर इसमें से एक कंडीशन होल्ड करती हो तो हम मानेंगे कि x y से रिलेटेड है अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन होल्ड करती हो तो मानेंगे x y से रिलेटेड है कंडीशन नंबर 1 x या तो 0 हो जाए x या तो 0 हो जाए ठीक है ना यानी कि आप क्या कहेंगे कि 0 सभी से रिलेटेड है नहीं समझ में आई बात देखो भाई आप कहेंगे x r y अगर x 0 हो जाए तो आप मान लो मतलब 0 r y ये तो मतलब होता है जीरो आर मतलब जीरो इज रिलेटेड टू ऑल मतलब यहां पर जो हम रिलेशन डिफाइन करने जा रहे हैं इसमें जीरो का रिलेशन माइनस फोर से होगा कि नहीं होगा जीरो आर माइनस जीरो माइनस माइनस फोर से रिलेटेड होगा कि नहीं होगा अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट पॉइंट ये पहले पॉइंट के हिसाब से जीरो का रिलेशन माइनस फोर से होगा या नहीं होगा होगा जीरो का रिलेशन टेन की पावर हंड्रेड से होगा कि नहीं होगा होगा जीरो का रिलेशन माइनस टेन की पावर हंड्रेड से होगा कि नहीं होगा होगा जीरो का रिलेशन किससे होगा सब से होगा पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट एक्स पॉजिटिव हो और वाई नेगेटिव हो तो इनमें रिलेशन होगा ये माना जाएगा ये हम एक ऑर्डर डिफाइन कर रहे हैं रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं तो अगर एक्स पॉजिटिव हो और वाई नेगेटिव हो तो रिलेशन माना जाएगा मतलब क्या होगा मतलब ये होगा कि हंड्रेड का रिलेशन 100 का रिलेशन माइनस वन से होगा कि नहीं होगा होगा बात समझ में आ रही है 100 का रिलेशन माइनस वन से और किससे किससे होगा 100 का रिलेशन माइनस टू से माइनस थ्री से है ना और जीरो से बताओ जीरो से 100 का रिलेशन जीरो से होगा कि नहीं होगा नहीं तो 100 का जीरो से नहीं हो सकता बताओ क्यों नहीं हो सकता एंटीसिमेट्रिक अरे एंटीसिमेट्रिक एंटीसिमेट्रिक क्या कहता है अगर 100 आर 0 है और 0 तो सबसे रिलेटेड और 0 आर 100 भी भाई अभी तो बोले आप लोग कि 0 का रिलेशन सबसे होगा तो एक तरफ तो 0 आर 100 और दूसरी तरफ आप मान लो कि 100 आर 0 तो हो गया कि 100 और 0 क्या हो गया इक्वल हो गए अरे x = y जबकि 100 और 0 एक दूसरे से क्या है अलग है तो हम 100 आर 0 को उसमें ले ही नहीं सकते इसमें ऐसा हो गई समझ में आ रही बात 100 का रिलेशन किससे किससे होगा सबसे होगा सभी नेगेटिव नंबर से होगा ये होगा ठीक है और आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट x एंड y आर बोथ पॉजिटिव तो क्या होना चाहिए तो x y से छोटा या बराबर होना चाहिए ठीक है अब पता चल गया 100 का रिलेशन और किससे किससे हो सकता है बताओ किससे किससे हो सकता है 100 का रिलेशन किससे किससे हो सकता है 101 से हो सकता है और किससे किससे हो सकता है 102 से हो सकता है जितने भी नंबर इससे पॉजिटिव बड़े होंगे सबसे होगा और क्या 100 का रिलेशन माइनस वन से हो सकता है अरे हो सकता है ये सेकंड पॉइंट देखिए अरे एक्स इज पॉजिटिव वाई इज नेगेटिव एक 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 रूल पढ़िए अपने आप समझ में आता है पहले वाले को ट्रू मानेंगे उसके बाद जिसमें वन ऑफ द फॉलोइंग लिखा था ना तो
एक टाइम पे एक ही कंडीशन नहीं, देखिए इसमें से कोई भी एक दूसरे को काटने वाले ही नहीं, बात समझिए। अगर ऐसा हो रहा होता कि ये होने से वो नहीं हो रहा, वो होने से ये सारे प्रोसेस से बिल्कुल डिसजॉइंट सेट्स जैसे होते हैं ना, कि आपस में कुछ कॉमन केस नहीं आने ही नहीं पाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए, तो दो पॉजिटिव नंबर आप ये समझ लो, दो पॉजिटिव नंबर्स कब रिलेटेड होंगे, एक्स और वाई अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो एक्स आर वाई कब होगा, अगर एक्स वाई से छोटा हो या बराबर, सिंपल सी बात। ठीक है, अब रहेगी बात दो नेगेटिव नंबर आपस में कब रिलेटेड होंगे, तो दो नेगेटिव नंबर आपस में कब रिलेटेड होंगे, अगर एक्स एक्स आर वाई कब होगा, एक्स आर वाई कब होगा और नेगेटिव हो, अगर मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू मॉड वाई। ठीक है, ठीक, तो पहली बात आती है कि वो कौन सा एलिमेंट है, वो कौन सा एलिमेंट है जो सबसे रिलेटेड हो रहा है, वो है जीरो, वो है जीरो। पहली बात देखो, जीरो सबसे बाईं तरफ लिखा है, मतलब मैंने इनको बढ़ते क्रम में लाइन दी दिया। अब आप बढ़ते क्रम में ये मत सोचने देना कि सर निगेटिव नंबर आपने बात नहीं दिया, अरे रिलेशन के हिसाब से बढ़ते क्रम, पार्शियल ऑर्डर के हिसाब से सबसे छोटा हो गया जीरो हमारा लीस्ट एलिमेंट हो गया ना। अब इतना हम कहते थे कि सेट ऑफ इंटीजर्स का कोई लीस्ट एलिमेंट नहीं होता है, निगेटिव 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 ढूंढ ही पाओगे, लेकिन अब तो हो गया ना, कौन हो गया, जीरो। बात समझ में आ गई, फिर जीरो से बड़ा कौन, जीरो से ग्रेटर टू वन, और वन और टू ऐसे को लिखे हैं, थ्री इधर क्यों नहीं लिखा है बताओ, थ्री इधर क्यों नहीं लिखा है, थ्री को टू के पहले क्यों नहीं लिखा है। अरे ये देखिए ना, अगर तुम पॉजिटिव नंबर हो, रूल हर एक रूल वहां यूज करके ये लिखा गया है, ये जो पूरा ऑर्डर बनाया गया है, टोटल ऑर्डर चेन बना दी गई है, तो वो सब इन सब चीजों को देखते हुए बनाया गया है, इन सब चीजों को देखते हुए बनाया गया। बस समझ आ गई, तो क्या होगा, सबसे इधर कौन आएगा, सबसे छोटा कौन होगा, जीरो। जीरो के बाद बढ़ते 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 सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, और उसके बाद उन सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के बाद कौन शुरू हो गए, सारे नेगेटिव इंटीजर्स, लेकिन नेगेटिव इंटीजर घटते हुए क्रम में, मतलब जो उनके एक्चुअल वैल्यू होती है उसमें, मॉड अगर मॉड लगा दोगे मॉड, तो मॉड में बढ़ते हुए क्रम में, नहीं क्योंकि इसमें मॉड की तो बात ही नहीं थी। अगर एक्स वाई नेगेटिव हो तो एक्स आर वाई कम होगा जब मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू मॉड वाई। समझ आ गई, ठीक है। तो अगर हम रिलेशन एक नए तरीके से डिफाइन करें, किसमें, सेट ऑफ इंटीजर्स में, तो ये आप ये देख रहे हो, अब आप अगर सोचना घर पे जाकर के, तो अब ये वेल ऑर्डर्ड हो गया है, मतलब अब इसमें हर एक सबसेट जब भी आप लेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स का, तो उसका आपको लीस्ट एलिमेंट जरूर मिलेगा। ठीक है, जबकि जेड कॉमा लेस देन इक्वल टू वेल ऑर्डर्ड नहीं था। क्लियर, सो मैंने वेल ऑर्डर्ड थ्योरम क्या कहता है, every poset is well ordered, am I right? No, I'm wrong. Every poset is well ordered नहीं कहता है, तो फिर क्या कहता है, every set can be well ordered, ये कहता है। Clear? अब बात करते हैं, थोड़ी सी बात 5 मिनट की रह गई है, इसको खत्म करते हैं, mathematical induction है। Mathematical induction बहुत आप लोगों ने हिंदी में क्या कहते हैं, गणितीय आगमन का सिद्धांत, तो गणितीय आगमन का सिद्धांत तो मेरे ख्याल से क्लास 9 से शुरू हो जाता है काम, सर जूम ऑफ कर दीजिए तो आ जाएगा, हां जूम ऑफ कर दीजिए, नहीं कोई बात नहीं, मैथमेटिक्स चलो, आ गया ठीक है, देखिए उसमें रिकॉर्डिंग में से है, चलिए कोई बात नहीं। मैथमेटिकल इंडक्शन है, मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है, देखिए आप लोगों ने वैसे नहीं देखा हुआ है मैथमेटिकल इंडक्शन, आप लोगों ने तो कुछ होता था, बड़ा बच्चों को सिखाते हैं, रटाते हैं टीचर, तो हम लोग भी जब थे तो हम लोग भी रटाया गया, पीके लेट पीके बी ट्रू, देन पीके प्लस 1 इज ट्रू, देन इट इज ऑलवेज ट्रू, ये तो होता है ना। लेकिन नहीं, मैथमेटिकल इंडक्शन को अगर हम लोग फायर स्टैंडर्ड फॉर्म में देखेंगे इस तरह से दिखेगा, क्या है मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन ये कहता है कि अगर आप कोई सेट लेते हैं जो कि n का सबसेट हो, इफ यू टेक एनी सेट s व्हिच इज सबसेट ऑफ n एंड देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ s, इफ यू टेक एनी सेट s व्हिच इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ द सेट s, एंड व्हाट आर दोस प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी नंबर 1 इज
वन मस्ट बिलोंग टू एस, जिसको आप लोग कहते थे कि के इज इक्वल टू वन के लिए सही है, बोलते थे ना लेट पी वन बी ट्रू, बोलते थे वही बात कि वन बिलोंग्स टू एस, और दूसरी बात इफ के बिलोंग्स टू एस, इफ के बिलोंग्स टू एस देन के प्लस वन ऑल्सो बिलोंग्स टू एस, तो पूरा जो एस होता है वो पूरा एम हो जाता है, ठीक है। अच्छा चलो अब आप लोगों में बता दूं कि जो आप लोग पढ़े हुए हैं आप पहले से जानते हो वही चीज कहते हैं, बहुत आसान सी बात है। सपोज कीजिए, सपोज कीजिए कि आपको कोई स्टेटमेंट है पीएन, जो आपने पहले से देख रखा है आपके अपने लैंग्वेज में, इसको बता दो सपोज कीजिए पीएन एक स्टेटमेंट है और इसको आपको प्रूव करना है, तो आप मैथमेटिकल इंडक्शन कैसे लगाते थे, जो आप करते थे वही मैं बात कर रहा हूं। लेट पीएन बी अ स्टेटमेंट इन विच एन इज अ नेचुरल नंबर, इन विच एन इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। आपको क्या प्रूव करना है कि pn is always true, आपको प्रूव करना है कि pn हमेशा सही है। तो चलिए मान लेते हैं कि pn हमेशा सही नहीं है, समझिएगा, मान लेते हैं pn हमेशा सही नहीं है, माना pn केवल जिन नेचुरल नंबर्स पे सही है उन नेचुरल नंबर का सेट s है। मैंने क्या बोला, लेट लेट pn इज ट्रू, लेट pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू s, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, अगर s बराबर m हो जाएगा तो इसका क्या मतलब होगा, अगर ये s बराबर m हो जाएगा तो हो जाएगा pn is always true, अब समझ में आया। तो वो वही चीज यहां लिखी हुई है, बस केवल यहां जो सेट s है, ये s क्या बताता है, s वो नेचुरल नंबर्स को बताता है जिनके लिए pn स्टेटमेंट ट्रू था, और अंत में क्या प्रूव कर दिया जाता है कि s और m आपस में क्या है, इक्वल, ठीक है, ठीक। अभी आपको ने बताया कि बहुत सारे एक्सियम्स हैं सेट थ्योरी में जो एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। जैसे अभी हम लोग लेटेस्ट कौन सा एक्सियम देख रहे थे, वेल ऑर्डरिंग है ना, तो वेल ऑर्डरिंग जो है वो इस मैथमेटिकल इंडक्शन के भी इक्विवेलेंट होता है। वेल ऑर्डरिंग जो है वो इस मैथमेटिकल इंडक्शन के भी इक्विवेलेंट होता है, ठीक। अब वेल ऑर्डरिंग मैथमेटिकल इंडक्शन के कैसे इक्विवेलेंट होता है, आप लोग इसकी इमेज ले लीजिए, ठीक है। जब नेक्स्ट क्लास होगी तो आप ही लोगों से किसी को इनवाइट कर दूंगा तो समझा देगा, ठीक है। यहीं पर हम कंक्लूड करते हैं आज के इस डिस्कशन को, लेक्चर को, लेकिन आप ही लोग उसको समझाएंगे, ठीक है। थैंक यू।